12 साल बाद भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक। आज का विषय, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक 12 वर्षों के अंतराल के बाद 25 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसमें बाढ़ के आंकड़ों को साझा करने, नदियों में प्रदूषण सेडिमेंटेशन प्रबंधन पर संयुक्त अध्ययन, नदियों के तटों के संरक्षण सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं मंत्री स्तरीय बैठक 25 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। बांग्लादेश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जल संसाधन राज्य मंत्री श्री जहीद फारूक कर रहे थे। दोनों पक्षों ने गंगा, तीस्ता, मनु, मुहुरी, खोवई, धारला, दूध कुमार, कुशियारा जैसी नदियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में बांग्लादेश ने भारत से तीस्ता नदी जल से जुड़े मुद्दे के जल्द समाधान का आग्रह किया। द्विपक्षीय बैठक के दौरान खास रहे मुद्दे। बैठक में पहले से चल रहे तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें दोनों देशों में मौजूद नदियों के जल को साझा करना, बाढ़ के आंकड़ों को साझा करना, नदी के प्रदूषण को रोकना, नदियों में गाद जमा होने व उसके प्रबंधन पर संयुक्त अध्ययन करना, नदियों के तटों की सुरक्षा के लिए कार्य करना आदि शामिल था। दोनों पक्षों ने कुशियारा नदी के पानी को अंतरिम तौर पर साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे को भी अंतिम रूप दिया। दोनों पक्षों ने त्रिपुरा में सबरूम टाउन की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फेनी नदी से पानी लेने वाले स्थान तथा उसकी तकनीकी अवसंरचना के डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने का स्वागत किया। इस बारे में अक्टूबर 2019 में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन अस्तित्व में आया था। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि पहले से जारी सहयोग के इस क्षेत्र को विस्तार दिया जाए। इसके संबंध में आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए 8 नदियों को और जोड़ दिया जाए। इस विषय पर संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति इस विषय पर आगे चर्चा करेगी। भारत जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बांग्लादेश का सहयोग कर रहा है, उनमें बाढ़ के वास्तविक समय के आंकड़ों को साझा करना भी है। भारत ने हाल ही में अप्रत्याशित बाढ़ की परिस्थितियों से निपटने में बांग्लादेश की सहायता करने के लिए 15 अक्टूबर के बाद के बाढ़ के आंकड़ों को साझा किया था। भारत और बांग्लादेश के बीच की प्रमुख नदियां। भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियों को साझा करते हैं, जिनमें ऐसी 7 नदियों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया था जिनके संबंध में जल के बंटवारे पर प्राथमिकता के आधार पर प्रारूप तैयार किया जाना है। साझा सीमावर्ती सीमा पार नदियों से जुड़े साझा हित वाले विषयों के समाधान के लिए द्विपक्षीय प्रणाली के रूप में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग का गठन 1972 में किया गया था। तीस्ता नदी के पानी को साझा करना, जो हिमालय से निकलती है और सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना में मिल जाती है, भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दा है। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।